हेलो एवरीवन, माय सेल्फ ओमकार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी क्या होती है? हम जब भी कोई भी कंक्रीट मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे M25 ग्रेड की कंक्रीट हो गई, M20 ग्रेड की हो गई, M15 ग्रेड की हो गई, कोई भी हम कंक्रीट को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसके मिक्सिंग प्रोसेस से लेकर के प्लेसिंग तक, उसके बाद फिनिशिंग जब वर्क करते हैं, उसमें इजी वर्क हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं वर्केबिलिटी। अब उस वर्केबिलिटी में कितने सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, नंबर बाय नंबर हम उसका फिनोमेना देखेंगे कि क्या कौन सा यूज़ किस तरीके से हमारे को अफेक्ट करेगा। नंबर वन, वाटर कंटेंट। जब भी हम क्या है कि वर्केबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, तो नंबर वन थिंग्स आती हैं वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट एक ऐसा फिनोमेना है, जैसे कि हम वो W/C रेशियो यूज़ करते हैं, वाटर कंटेंट की रेशियो और W/C रेशियो, तो हमने 0.4 to 0.60 तक जनरली हम क्या करते हैं, वाटर कंटेंट को हम यूज़ करते हैं, W/C रेशियो को हम यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 0.4 to 0.60, इसमें के जितना भी कम हमारे पास वाटर कंटेंट आएगा, कम वाटर कंटेंट होगा तो वर्केबिलिटी हमारी कम होगी। हम जितना भी वाटर कंटेंट को बढ़ाते जाएंगे, उसकी वर्केबिलिटी बढ़ती जाएगी। हम वाटर कंटेंट की वैल्यू को हम 0.65 रखते हैं, तो हमारे पास वैल्यू वर्केबिलिटी की बढ़ जाएगी, वर्केबिलिटी की जो वैल्यू है हमारे पास बढ़ की आएगी। हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं साइज ऑफ एग्रीगेट की। तो साइज ऑफ एग्रीगेट में क्या है कि हमने सबसे फर्स्ट बात करी थी वाटर कंटेंट की। वाटर कंटेंट में हम जितना भी हम वाटर कंटेंट को बढ़ाते जाएंगे, वाटर की फिनोमेना को हम वाटर को जितना हम डालते जाएंगे कंक्रीट में, तो उसकी वर्केबिलिटी बढ़ते जाएगी। उसी तरीके से हम नेक्स्ट बात करते हैं साइज ऑफ एग्रीगेट। हम साइज ऑफ एग्रीगेट में बात करेंगे, तो जितनी ज़्यादा हम बिग साइज का यूज़ करेंगे एग्रीगेट का, जितनी ज़्यादा साइज के हम एग्रीगेट का यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, साइज के अकॉर्डिंग वर्केबिलिटी बढ़ते जाएगी। वर्केबिलिटी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज करेगा। कब? जब साइज बड़ी होगी तो वर्केबिलिटी भी अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी। अब हम बात करते हैं मिक्स प्रोपोर्शन की। नेक्स्ट बात करेंगे मिक्स प्रोपोर्शन की। तो मिक्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, एग्रीगेट ऑब्लिक सीमेंट। हम एग्रीगेट सीमेंट की बात करेंगे, जिसमें कि एग्रीगेट का प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू सीमेंट, हम जिसमें क्या है कि एग्रीगेट को जितना हम कम रखेंगे, उसका मिक्स प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। बट यहाँ पर सीमेंट की प्रॉपर्टी को हम बढ़ाते जाएंगे, सीमेंट की क्वांटिटी जितनी बढ़ाते जाएंगे, तो मिक्स प्रोपोर्शन हमारे पास वैल्यू कम होते जाएगी, और एग्रीगेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते जाएंगे तो उसकी मिक्स प्रोपोर्शन की वैल्यू बढ़ते जाएगी। तो एग्रीगेट का हम क्वांटिटी हम बढ़ाते जाएंगे तो मिक्स प्रोपोर्शन बढ़ेगा। मिक्स प्रोपोर्शन का हम जितना भी वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं, तो उसकी वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, वर्केबिलिटी हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। हम जब भी मिक्स प्रोपोर्शन की बात करते हैं, तो एग्रीगेट वर्सेस सीमेंट की बात होगी, जिसमें हम एग्रीगेट की क्वांटिटी को हम हमेशा इंक्रीज करेंगे तो उसकी वर्केबिलिटी कम होते जाएगी। नेक्स्ट फिनोमेना की बात करेंगे शेप ऑफ एग्रीगेट। शेप से समझ में आता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, शेप ऑफ द एग्रीगेट। शेप क्या होता है कि हमारे पास जो एग्रीगेट होगा, हम ज्यादातर यूज कर रहे हैं क्या, एग्रीगेट। अब एग्रीगेट क्या है कि फ्लेकी है या इरेगुलर है, इस तरीके के जो एग्रीगेट हम जब यूज करेंगे, तो उसकी वर्केबिलिटी हमारे पास क्या होती आएगी, डिक्रीज होते हुए आएगी। और फ्लेकी के बाद हम राउंडेड शेप का यूज करेंगे। राउंडेड शेप क्या, हम जब भी एग्रीगेट यूज करेंगे, तो उसके बाद हमारे पास वैल्यू जो निकल के आती है, वो वर्केबिलिटी हमारे पास बढ़ के नजर आती है। तो वर्केबिलिटी हमको इंक्रीज करना है, तो राउंडेड शेप का यूज करेंगे। बट जब भी हम राउंडेड शेप का एग्रीगेट यूज करते हैं, तो क्या होता है कि वर्केबिलिटी तो बढ़ेगी, बट उसकी स्ट्रेंथ में हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। तो इसीलिए हम ज्यादातर हम क्या करते हैं, फ्लेकी और इरेगुलर शेप का कंक्रीट एग्रीगेट हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ एडमिक्सचर। जब भी हम एडमिक्सचर यूज करते हैं, जैसे सुपर प्लास्टिसाइजर, प्लास्टिसाइजर का या रिटार्डर का यूज करते हैं,
तो एडमिक्सचर जब भी हम यूज करेंगे तो क्या होगा कि उसकी वर्केबिलिटी तो इंक्रीज करेगी। जैसे प्लास्टिसाइजर हम यूज करते हैं तो उसका वर्केबिलिटी तो बढ़ेगा। सुपर प्लास्टिसाइजर में क्या होता है, वर्केबिलिटी बढ़ेगी, उसके साथ साथ क्या होगा कि हमारे पास स्ट्रेंथ भी आएगी। बट रिडाडर का यूज करते हैं वहां पर हमारे पास जो वर्केबिलिटी वैल्यू है कम आती है और स्ट्रेंथ भी कम आती है। तो इसमें क्या है कि प्लास्टिसाइजर या रिटार्डर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट हम बात करेंगे तो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट की बात होगी। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट मीन्स कि हमारे पास 0 mm to 400 mm तक की साइज के एग्रीगेट को हम यूज करते हैं जिसमें कि वेल ग्रेडेड एग्रीगेट होगा। और जब भी हम वेल ग्रेडेड एग्रीगेट यूज करते हैं तो उसकी वर्केबिलिटी बढ़ के आती है, और वर्केबिलिटी बढ़ के आती है हमारे पास स्ट्रेंथ भी काफी स्ट्रॉन्ग साइज में बढ़ के आता है। इस तरीके से हम पूरे फिनोमेना के अकॉर्डिंग हम डिस्कस किए 8 पॉइंट्स को कि फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, जिसमें कि हर एक पॉइंट पे हम डिस्कस किए कि कौन सी वर्केबिलिटी किस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज करती है। थैंक यू।